अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता। और ये देखें मेरे पास जो है ना जुड़वा टमाटर आया है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। मिट्टू को भी दूध पीना है, ये देखो वो देखो पी रहे हैं। और दो इसको अलग दो, अपने उसमें नहीं दिया करो। तो यहाँ पे दवा उठ चुकी है। रात जो है ना बाजी भी साथ आई थी, थककर इधर ही सो गई। बाजी ने कहा मैं घर नहीं जाती हूँ, और बाजी ने आज डॉक्टर को भी दिखाना है उनके दांत का जो प्रॉब्लम है। तो बस सुबह सुबह हो गई है और नाश्ता हस्बैंड करके जा चुके हैं। अभी मैं और सिस्टर नाश्ता करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने सिस्टर के लिए बनाई है रोटी, दुआ के लिए पराठा, चाय और छोले, और मेरे पास है मेरे एग, क्योंकि वापसी आना है भाई अपने रूटीन पे, रूटीन ख़राब नहीं करनी है। दुआ ये तो मेरा पराठा है। नहीं, मेरा है। मेरा है, चलो ठीक है जल्दी खाओ। शाबाश दुआ, तुमने चाय पीनी है? दुआ चाय पीनी है? चाय चाय पीनी है? चाय पीनी है? चाय पीनी है? इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये मेरे सारे अंडे खा गई है। अब इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि ये कुछ और खाए। अब बोलने की भी हिम्मत नहीं बची। दुआ चाय पीनी है? चाय पीनी है दुआ? ओए 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 कहती है नहीं पीनी और मुझे मार भी रही है। गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। ये ना परफ्यूम लगा रही है, इसके काम चेक करें जरा। बस लग गया है, बस बस बस, मुझे देखती है ना लगाते हुए। ये रही हमारी वाईफाई की फीस, और आज का व्लॉग जो है ना शुरुआत ही पैसे देने से हो गई है। इधर ये जो है ना मेरी एक्सरसाइज वाली, इसके साथ खेल रही। तुम्हें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की? ये कमर की नहीं है, पेट की होती है। इसे आज जो है ना गुस्सा करके इधर सो गई है, कहती है मैंने घर नहीं जाना। घर जाना है दुआ? ये देखिए अब नाराज होके सोई हुई है, दरवाजे में ही लेट गई है, इसने आगे भी नहीं जाना। चलो उठो उठो घर जाओ, उठो शाबाश, उठो घर जाओ, उठो उठो घर जाओ, ईमान के पास जाओ, उठो। अरे उठ जाओ बहन, उठ जाओ, चोट लग जाएगी, उठो। ये देखिए अब उठने का नाम ही नहीं ले रही। बाजी अब इसको ज़बरदस्ती जूता पहना रही हैं, नहीं तो इसका जाने का ज़रा भी मूड नहीं है। जा रही है, रुक जाओ ना जाओ। बाय बाय दुआ, बाय बाय। चलें जी हम बनाने वाले हैं सेकंड चैनल के लिए रेमेडी वीडियोस। तो आज मैं आपको बताऊंगी फेशियल, वो भी नेचुरल चीज़ों से, और उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे कि आप खुद मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं, लेकिन आगे का व्लॉग और फुल रेमेडी देखने के लिए आपको दूसरे चैनल पे आना होगा, ताकि आपको पता चले कि रेमेडी बनी कैसे है। और यहाँ पर ये जनाब आ चुके हैं फेशियल करवाने, काम देखिए, सबको फेशियल करवाना है भाई, सबको गोरा होना है, देखिए देखिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनका फेशियल, और ये है इनका बिफोर, बाद में मैं दिखाऊंगी आपको इनका आफ्टर कि कैसा रिजल्ट आता है। तो स्टे ट्यून, बने रहिए देखने के लिए कि इनका फेशियल होने के बाद कैसी लुक आती है। तो का मैजिक होगा अभी, अभी देखना मैजिक मेरे हाथों का। तो यहाँ पे मैंने किया हस्बैंड का फेशियल, और इतने दिन बाद जो है ना मैंने किया, क्योंकि बीच में मैं इनसे गुस्सा रही हूँ, जैसे ही इनका फेशियल करती हूँ ना ये चले जाते हैं शिकार पे, और वहाँ से इतना इनका फेस डल हो के आता है ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि आप अपनी केयर बिल्कुल नहीं करते। और ऐसे बोल बोल के ना शुक्र है कि आप अपनी कुछ थोड़ी बहुत केयर करने लगे हैं, और मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगी है कि आप अपनी केयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं है। इस बार उन्होंने खुद मुझे बोला है मेरा फेशियल करें, नहीं तो मैं हमेशा बोलती हूँ फेशियल करवाएं और अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अभी इतनी एज भी नहीं है, और अभी आपने अपनी जिम्मेदारियों की वजह से जो है ना अपने ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो शुक्र है कि अब उनको जो है ना अपना कुछ ख्याल आ रहा है, और कुछ जो है ना अपना अपने आप को जो है ना बना के रख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी आप सब भी बताइएगा कि आप सबको जो है ना कैसा लगा,
और ये जो है ना आप एक क्या कहते हैं उसको सीखने के तौर पे भी ले सकते हैं कि आपने जो है ना फेशियल के स्टेप कैसे करने हैं। तो स्टेप जो है ना सारे सिंपल ही होते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ आप यहाँ से जो है ना स्टेप की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि फेशियल कैसे करते हैं, तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा, एक काम में दो फायदे हो जाएंगे। तो ये है इनका आफ्टर रिजल्ट, और मेरे दूसरे चैनल पर कोई भी नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आ जाएं देख। जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई हूँ, बस लगता है हस्बैंड भी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो खदीजा? ठीक, आप सुनाओ? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। यार मैंने आपको मना भी किया था कि नहीं लाओ, मैं डाइट पे हूँ, वैसे भी क्यों तकल्लुफ किया? इसके दो पीस खाओगी तो किसी ने प्यार से दिया, ठीक है ना, तो ये कोई नुकसान नहीं देंगे, बाकी भाई खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू आपका। और दिल से दिया। और सुनाओ बच्चे ठीक हैं? सब ठीक है, मैंने चक्कर लगाना था आपकी तरफ, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह अच्छी से हो। और आज मैं, मुझे तैयबा का भी मैसेज आया था, अच्छा। उनके वो ट्रे देने हैं, वो भी मैं आपको दे दूं जैसे आई है, मैंने कहा आज मैं जाऊंगी पहुंचाने। ट्रे ना दे, मुझे उधर थोड़ा सा काम है, माउंटेन में। चलो ठीक है, मैं खुद फिर कल चक्कर लगाती हूँ मैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। चले जी चलते हैं, आज जाना है लड़के वालों की तरफ, लड़के वालों ने आज इन्वाइट किया, तो चलते हैं देखते हैं, अल्लाह करे आज बात फाइनल हो जाए, क्योंकि जब भी जाना होता है मेरी तरफ से बात हुई है दोनों तरफ से, तो लड़के वाले भी मुझे कहते हैं आप साथ चलें, लड़की वाले भी कहते हैं साथ चलें। अल्लाह करे कि आज आप सब भी दुआ कीजिएगा उनकी बात पक्की हो जाए, और हमें भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही दोनों रिश्ते ही मुझे मतलब बहुत अजीज़ हैं, खून के नहीं हैं लेकिन जो खून से बढ़कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं फिर। चलो जी, कार मैंने मंगवा ली थी, और यहाँ तक जो है ना हस्बैंड, इसके बाद मैं जाऊँगी गाड़ी पे और हस्बैंड आएंगे बाइक पे जी। अभी हम जाने लगे हैं घर वापस। आज मैंने इतने दिनों बाद फाइनली पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और डिलीवरी वाले को तंग कर रही हूँ, देखती हूँ डिलीवरी वाला कैसे घर ढूँढता है, अभी पता चल जाएगा कि डिलीवरी वाला घर ढूँढ सकता है कि नहीं ढूँढ सकता। वैसे टू बी ऑनेस्ट, इस डिलीवरी वाले को मैंने नहीं बुलाया, किसी को और का है, गली में ना किसी और का ऑर्डर आया, हम लोग कहीं जाने लगे हैं, मेरे हस्बैंड के क्या हो गए जो फर्स्ट साले हैं उनके घर जाने लगे हैं, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ हस्बैंड के आने का, और हस्बैंड भी आ गए हैं। ये आ तो चले जी, यहाँ पे जो है ना हमारा खाना था आज, और आज जो है ना हम लोग इधर आए हैं, मतलब ये क्या हुए, मेरे हस्बैंड के बड़े साले साहब हुए, इनकी तरफ आए हैं। एक तो मेरे भाई नहीं, भाई इनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं उनके भाई, बच्चों की मम्मा के भाई, इनके घर आए हैं। तो यहाँ पे खाना हमने खा लिया है, मैंने तो थोड़ा सा खाया, इनको देखें बस ही नहीं हो रही, बस कर दे अब, छोड़ दें थोड़ा सा, उनके लिए भी छोड़ दें, पता नहीं उन्होंने खाना भी खाया ही नहीं, आपने सलाह ही नहीं किया, पूछा भी नहीं है। मुझे पता है वो खा के बैठे हैं। आपको कैसे पता है कि खा के बैठे हैं? क्योंकि हम लेट नाइट आए हैं। इतना भी लेट नहीं आया, अभी टाइम है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे लिए बनाया गया जी मिल्क शेक, और मेरा जो मिल्क शेक है उसमें चीनी नहीं है, जो हस्बैंड का है उन्होंने दोबारा अपनी चीनी ऐड करवाई है उसमें। क्या प्रूफ है कि इसमें चीनी नहीं है? आप ही दे दो प्रूफ, चलो मेरे पास तो नहीं है, आप ही दे दो। और इसमें जो है ना आइस भी थी, तो मैंने अपने हिस्से में से आइस भी निकाल दी है, क्योंकि ठंडा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं आज आई हूँ हादी को घूमने लेके जाऊंगी, चलना है ना, है हादी चलें गाड़ी पे चलें, हाँ ना, शाबाश, चलो आ जाओ। तो आज जो है ना हम हादी को घुमाने लेके जाएंगे, चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से आराम से, रुको मम्मा आ रही हैं, मम्मा आ रही हैं, आपको उठाती हैं, चलते हैं, ठीक है, चलो चलें, चलो। हादी खुश हो रहे, अल्लाह खुश हो रहे हादी जी। चलते हैं अभी, हस्बैंड जो है ना अभी इधर ही बैठे हैं, वो बातें करेंगे जेंट्स, तो हम घूम के आते हैं। ये ना खुश हो रहा है गाड़ी में बैठ के ना, अभी अभी हम हादी का गाना भी चलाएंगे, चलाएगा ना, ना चल गया गाना भी चल गया जी। घूम फिर के आइसक्रीम वगैरह लेके हम आ गए हैं वापस, आइसक्रीम नहीं वो दो मोबाइल, तो हमने आइसक्रीम ले लिया, अब घर वापस आ गए हैं। किसी ने अपनी पसंद के गाने लगवाए फिर भी हमें सुकून नहीं करने दिया,
आइसक्रीम भी मेल्ट हो गई है। और हमारा आज का व्लॉग भी इसी के साथ खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।